लोग बोलते हैं सच बोलना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसी हाँ मेरे कैसे हो, एक ही कारण बता सकती हूँ, सच बोलने के लिए हुआ। मैंने वीडियो भी बना के रखा है, अब कैसा सच क्यों सच, आप लोग ही देख लो, देख लो। वाह, 11 बजे उठी है दीदी सुबह को। क्या वाह, हाय हाय हाय, सुबह सुबह किसका चेहरा देख ली पे, पूरा दिन अब बर्बाद जाएगा मेरा, इससे अच्छा टट्टी देख लेती। जा रही हूँ मैं टट्टी का शक्ल देखने, ठीक करना पड़ेगा, सारा दिन नहीं तो काम नहीं कर पाऊंगी। चुड़ैल कहीं की। ए दीदी, ए स्कूल में थोड़ा प्रोजेक्ट दे, वो थोड़ा करके देना। क्या हंस क्यों रही है? सोच रही हूँ किसी प्रोजेक्ट ही क्यों करके दूँ तेरे को, जब पापा अपने नाम का जायदाद थोड़ा सा मेरे नाम पे करेंगे, वो भी मैं तेरे को ही लिख के दे दूँ, ठीक रहेगा ना तू? ए किशमिश खाएगा? मेरे को किशमिश पसंद नहीं, तेरे को पता है ना? हाँ पता है। तो क्या है ना कि मैंने इसे इट इज अ फॉर्मेलिटी करते वैसे मैं कर रही हूँ, ताकि मेरा नाम सबके सामने रोशन हो सके ऋतिक जैसा, और सब लोग बोल सके ये देखो कितनी प्यारी बहन है, कितनी अच्छी बहन है। और काजू ना मैंने ही खा लिए, काजू मेरे को बहुत पसंद है, काजू की किशमिश भी मैंने खा लिया, और तेरे नाम का कुछ भी नहीं बचा है, बट फिर भी आ गया ऐसा जूता फेंक के मारूंगा तेरे को। दीदी मैं तेरे से 5 साल का छोटा हूँ या 4 साल का? तो तू मेरे से 5 साल का छोटा, बट मैं तेरे को बोलूंगी कि पता नहीं तू बता, मैं ये बता सकूँ तेरे को कि नहीं तू ना अडॉप्टेड है, या फिर तेरे को हम लोग कचरे के डब्बे से उठा के लाए, ऐसे बोलना पड़ेगा, ताकि तेरा रोता हुआ चेहरा देख के मेरे को सुकून मिलता। नहीं क्यों अशोक, एक अच्छे से फीलिंग आता है जब भी तू प्रॉब्लम में पड़ता है, मेरे को क्यों पता नहीं हंसी आता है, वो तो सबके सामने मैं हंस नहीं सकती हूँ। आज मैं यूट्यूब में एक वीडियो बना रही हूँ, सिस्टर वेर ऑनेस्ट, इसलिए मैं बता पा रही हूँ इतना तेरे को, नहीं तो इतना हिम्मत कहाँ है, मम्मी के डर से कुछ भी नहीं बता पाती। श्रेय आपका भाई पृथ्वी टॉप अच्छा। किया है क्लास में और सबसे अच्छा डिसिप्लिन लड़का है। अच्छा इधर डिसिप्लिन रहता है वो? बदमाश लड़का, आपको पता नहीं घर पे इतना बदमाशी करता है ना, आप इसके भोले शक्ल पे मत जाइए। कभी कभी तो सोचती हूँ मैं कि ऐसा नालायक इंसान मेरे लाइफ पे क्यों आया। मैम दिन रात इसके और मेरे बीच में इतना झगड़ा होता है ना, बेस्ट फाइटर सिबलिंग अवार्ड अगर होता ना कुछ तो हम दोनों को ही मिलता, इतना मारता है ना मैम मेरे को। कभी कभी तो लगता है कि मैं इससे बड़ी हूँ या ये मेरे से बड़ा है। मुंह के ऊपर बात करता है मैम, इतना बेशर्म लगता है ना, मुंह के ऊपर बात करता है ये। आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो कि मैं कैसे घर पे रहती हूँ मैम, मेरे को इतना रोना आता है, कहाँ रो मैम, इतना रोना आता है, भगवान ये क्या है? पिछले जन्म में कुछ पाप की थी इसलिए इस जन्म में मैं इसको भूल गई। मिसेस रॉय, आपके बच्चे कितने शांत रहते हैं ना, एकदम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। जो बाहर से दिखता है वो अंदर से भी अच्छा हो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब आंटी मेरा भाई एक नंबर का छचुंदर है, नहीं नहीं खून रिश्ता का ही है, लेकिन जब झगड़ता है मेरे से तब पता चलता है कि जंगल से भाग के आया है। मेरे माँ का एकदम मस्त आइडिया ऐसा होता है कि जब भी मैं और भाई झगड़ती हूँ ना, तब भी माँ म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है, ताकि बाहर वालों को पता ही ना चले कि हम लोग झगड़ रहे। कभी कभी तो लगता है आंटी हॉस्टल ही चली जाओ, उधर सुकून से जी पाऊंगी। उतना मेरा लक अच्छा कहाँ ही है, सुबह सुबह उठ के भाई का शक्ल देखना पड़ता है, इतना मार खाती हूँ उससे, फिर भी ये मुस्कुराहट यही काफी है मेरे लिए। वो तो माँ बोलती है कि बाहर वालों के सामने एकदम फ्रेंडली रहना, ताकि बाहर वालों को पता ही ना चले कि तुम लोग इतना झगड़ते हो, आप लोग को क्या पता अच्छा, कि अंदर क्या मिसेस होता राय, मैं बाद में आऊंगी। हाँ आंटी, अब मेरे को भी पता है कि आप जब चले जाओगे तब माँ कहीं ना कहीं से तो अटैक मेरे को करेगी, नहीं छोड़ेगी, इतना सच तो मैंने बता दिया। ओके बेटा, मेरा हस्बैंड का कॉल आ रहा है, बाय 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 मिसेस राय, बाय। प्रीतू हाँ माँ, आ बेटा तेरे को थोड़ा प्यार कर। नहीं 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 ठीक है ठीक है, तेरे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आना तो आना। नहीं 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 मम्मा आना। देख लिए धन्यवाद, बता देना थोड़ा वीडियो रिलेटेबल लगा कि नहीं, थोड़ा खुशी भी मिल जाएगी उस बात से। चलो अब मेरे को जाना पड़ेगा।